चलिए अब रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया की देश छोड़कर मालदीव जाने के बाद इमरजेंसी का ऐलान किया गया है। इधर राष्ट्रपति गोटबाया के देश से भागने की खबर के बाद लोगों का हिंसक प्रदर्शन जारी है। बिगड़े हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। श्रीलंका के कोलंबो में विरोध प्रदर्शन जारी है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर से प्रदर्शनकारियों पर निगरानी रखी जा रही है। गुजरात महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। उत्तराखंड के भी कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट। मुंबई से सटे वसई इलाके में लैंडस्लाइडिंग से कुछ लोगों के दबे होने की आशंका भी है। तो वहीं वागरोल पाड़ा में लैंडस्लाइडिंग की वजह से 4 लोग दब गए। तो वहीं दमकल और एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाया हुआ है। उत्तराखंड के भी कई जिले इन दिनों बारिश की चपेट में हैं। चमोली जिले में कई जगहों पर लैंडस्लाइड की घटना हुई है, जिसकी वजह से बद्रीनाथ हाईवे को बंद कर दिया गया है। मुंबई में पिछले कई दिनों से भारी बारिश हो रही है। जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। लगातार हो रही बारिश के चलते अंधेरी सबसे ज्यादा प्रभावित है। अंधेरी सबवे जलमग्न हो गया है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भारी बारिश का दौर जारी है। मनाली में भारी बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ से एचआरटीसी की बसें क्षतिग्रस्त हुई हैं। मुंबई में भारी बारिश का दौर देखने को मिला। यहां भारी बारिश के बाद मरीन ड्राइव के पास समुद्र में हाई टाइड देखने को मिली। गुजरात में भी भारी बारिश का दौर जारी है। यहां भारी बारिश के बाद राजकोट जिले में न्यारी बांध ओवरफ्लो हो गया। यहां पानी की आवक लगातार जारी है। गुजरात में पिछले कई दिनों से भारी बारिश जारी है। कई नदियां उफान पर आ गई हैं। अब तक 20,000 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। वहीं बारिश और बाढ़ के चलते अब तक 69 लोगों की मौत हो चुकी है। लोगों की मदद करने के लिए एनडीआरएफ के 18 टीमों को तैनात किया गया है। गुजरात में भारी बारिश से हालात चिंताजनक बने हुए हैं। सीएम गहलोत ने इसको लेकर चिंता जताई है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से बाढ़ में फंसे लोगों की मदद करने की अपील की। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर सत्य, संयम, शांति और सद्भावना की सीख देने वाले सभी गुरुओं को नमन। समस्त देशवासियों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। ये ट्वीट किया गया है प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से। गुरु पूर्णिमा पर गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में शिरकत की। गोरक्षनाथ पीठ में विशेष पूजा अर्चना में शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया रोट का भोग और साथ ही शिष्यों को आशीर्वाद भी दिया। एलन मस्क के खिलाफ कोर्ट पहुंचा ट्विटर। एलन मस्क पर ट्विटर ने किया मुकदमा। डील रद्द करने को लेकर दायर किया केस। ट्विटर ने अनुबंध के उल्लंघन का आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में घुसपैठ की कोशिश नाकाम रही। तो वहीं सुरक्षा बलों ने नाकाम किया आतंकी घुसपैठ की कोशिश। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में 16,906 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 45 लोगों की मौत। देशभर में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले पश्चिम बंगाल में आए हैं। पिछले 24 घंटे में यहां 2,659 केस दर्ज किए गए हैं। कोरोना से यहां 5 लोगों की जान गई है। कोरोना से देश में सबसे ज्यादा मौतें केरल में हुई है। पिछले 24 घंटे में 17 संक्रमितों ने अपनी जान गंवा दी है। राज्य में 2,211 मरीज पॉजिटिव पाए गए। वहीं 3,154 लोग कोरोना से रिकवर भी हो गए हैं। पश्चिम बंगाल के बाद सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 2,435 केस सामने आए हैं और 13 लोगों की मौत हुई। सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एनसीबी का आरोप है कि एक्ट्रेस ने सुशांत सिंह राजपूत के लिए कई बार ड्रग्स खरीदी और उसके लिए भुगतान भी किया। 35 आरोपियों के खिलाफ कुल 38 आरोप हैं। सुशांत को नशे की लत के लिए उकसाने का भी आरोप। त्रिग्रही योग के संयोग में गुरु पूर्णिमा का पर्व आज मंदिरों और आश्रमों में हो रहे आयोजन। नए शिष्यों को दी जाएगी मंत्र और कंठी दीक्षा। श्रावण मास की शुरुआत के साथ शिव मंदिरों में पूजा अर्चना का दौर। शिवालयों में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। 2 साल बाद लौटी रौनक। महाराष्ट्र में बाढ़ की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। यहां नासिक में निचले इलाकों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। बाढ़ के पानी से घर मंदिर सब पानी में डूब चुके हैं।
सुप्रीम कोर्ट में राम सेतु को धरोहर घोषित करने की मांग वाली याचिका पर इसी माह सुनवाई की जाएगी। इसके लिए बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने राम सेतु को धरोहर घोषित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए 26 जुलाई का दिन दिया है। एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का जयपुर में आदिवासी संस्कृति से स्वागत हुआ। सांसदों और विधायकों से वोट की अपील द्रौपदी मुर्मू ने की। राजसमंद में सांप्रदायिक सौहार्द के विपरीत पोस्ट करने वालों पर भीम पुलिस की कार्रवाई। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में एक आरोपी गिरफ्तार। आईटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया। भिलवाड़ा में आपसी विवाद में चाकूबाजी से दो युवक घायल हुए हैं। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। सवाईमाधोपुर के बोली में अज्ञात चोर गिरोह सक्रिय। जनरल स्टोर की दुकान पर नकदी सहित कीमती सामान के अपार। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेकर जांच शुरू की। दियावड़ी उपखंड मुख्यालय में राजस्व अधिकारियों की बैठक का आयोजन। बैठक में राजस्व विभाग से संबंधित मामलों के निस्तारण के निर्देश दिए गए। बैठक में तहसीलदार महेश कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। झुंझुनू के बिसाऊ में कन्हैयालाल हत्याकांड के विरोध में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। कन्हैया को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि भी दी गई। महंत रविनाथ सहित सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। प्रतापगढ़ में मूसलाधार बरसात का दौर जारी है। बीते 24 घंटों में जिला मुख्यालय पर 60 mm बरसात दर्ज की गई। मूसलाधार बारिश से सड़कें जलमग्न हो गई। कलेक्टर सौरभ स्वामी ने लोगों से जलभराव वाले इलाकों से दूर रहने की अपील की। झुंझुनू के बिरमी ग्राम पंचायत में रात्रि चौपाल का आयोजन हुआ। कलेक्टर ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएं, साथ ही समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण भी किया गया। एसडीएम साधुराम जाट सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बांसवाड़ा में मॉनसून की बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। कुशलगढ़ में 44 mm तो सज्जनगढ़ में 41 mm बारिश दर्ज की गई। माही बांध में भी पानी की आवक जारी। मौजूदगी में दलित दुल्हे की घोड़ी पर बिंदोरी निकाली गई। इस दौरान भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा। तहसीलदार गोपी किशन पालीवाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सवाईमाधोपुर के मलारना डूंगर में हिस्ट्री शीटर बत्तीलाल गुर्जर चढ़ा पुलिस के हत्थे। थानाधिकारी राजकुमार मीणा के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। 6 साल से चल रहा था ये फरार। अलवर के एनीबी थाना पुलिस ने 2 संदिग्ध बदमाशों का पीछा कर गिरफ्तार किया है। बदमाशों के पास से एक पिस्टल भी बरामद की गई है। बदमाशों से पुलिस पूछताछ कर रही है। झुंझुनू में निरोगी राजस्थान अभियान के तहत हेल्दी लीवर जागरूकता पोस्टर का स्वास्थ्य विभाग ने विमोचन किया। अभियान की कार्य योजना के संबंध में भी जानकारी दी गई। अभियान के तहत रोगियों की स्क्रीनिंग कर उनका उपचार किया जाएगा। झालावाड़ के रतनपुरा में बारिश से आम रास्ते पर आवागमन बाधित हुआ है। स्कूल जाने वाले नौनिहालों को मजबूरन कीचड़ से होकर गुजरना पड़ रहा है। कई बार छात्र कीचड़ से निकलने के दौरान फिसल कर चोटिल भी हो चुके हैं। इस बारे में कई बार शिकायत के बाद भी हालात जस के तस बने हुए हैं। राजसमंद के रेलमगरा में कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने किसानों से चर्चा की। मिर्ची की फसल का अवलोकन किया। किसानों को योजनाओं की जानकारी दी। एसडीएम मनसुख डामोर सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। झुंझुनू में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। एसएचओ के निर्देशन में कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। नागौर के कुचामन सिटी में बचनाश्रम बगीची में गुरु पूर्णिमा का महोत्सव मनाया गया। बड़े महाराज की प्रतिमा की शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान गुरु मंत्र दीक्षा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। राजसमंद के आमेट में चोरों का आतंक आमजन की परेशानी बना हुआ है। सोने मकान को निशाना बनाकर चोर लाखों रुपए के आभूषण और कीमती सामान लेकर फरार।
प्रतापगढ़ के राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर बाइक सवार एक व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसके बाद बाइक सवार की मौत हो गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। फिलहाल पुलिस अज्ञात वाहन चालक की तलाश में जुटी है। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां बाइक चोरी के मामले में अदालत ने बदमाश को एक दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा है। इस दौरान पुलिस का कहना है कि पूछताछ के बाद बीते दिनों हुई बाइक चोरियों के कई मामलों का खुलासा हो सकता है। दौसा के जिला अस्पताल में निःशुल्क जांच योजना बंद होने से आमजन परेशान है। कर्मचारी 10:30 बजे तक नहीं खोलते अस्पताल की जांच लैब, मरीजों को निजी अस्पताल में जांच करवानी पड़ रही है। पाली के देसुरी में सादड़ी सड़क मार्ग पर मार्बल से भरे ट्रक को 3 युवकों ने रुकवाकर चालक और खलासी को लूटा, नकदी और मोबाइल लूट कर ले गए चोर। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सांगानेर में रामानंदचार्य परमार्थिक गौशाला में गुरु पूर्णिमा का महोत्सव मनाया गया। महामंडलेश्वर बालयोगी बालकृष्ण दास महाराज के भक्तों ने पूजा कर आशीर्वाद लिया, भक्तों ने प्रसादी ग्रहण कर आनंद लिया। अलवर में गायत्री मंदिर परिसर में गुरु पूर्णिमा का पर्व आयोजित किया गया, तो वहीं आपको बता दें कि 9 कुंडलीय यज्ञ का आयोजन भी हुआ। इस अवसर पर गायत्री परिवार ने हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाया, वहीं हवन यज्ञ कर प्रसाद भी वितरित किया गया। राजसमंद के आमेट में चोरों ने दूसरे दिन भी मंदिर को निशाना बनाया। 2 दान पात्र से हजारों रुपए की नकदी चोरी करके फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है, तो वहीं चोरों की तलाश भी कर रही है। बूंदी के केशवराय पाटन में चोरों ने सोने मकान को निशाना बनाया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर की ओर से आयुर्ग्राम गोनेर में चरक जयंती मनाई जाएगी। 2 अगस्त को चरक जयंती मनाई जाएगी। वहीं चरक जयंती के उपलक्ष्य में 6 जुलाई से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, जिसका समापन समारोह 12 जुलाई को शारदा गार्डन गोनेर में रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि गांव की सरपंच मीना पटवा रही। समापन समारोह का प्रारंभ भगवान धन्वंतरी की पूजा से हुआ। अलवर के अरावली विहार में युवक ने फांसी लगाई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। धौलपुर के सेपो में गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। केंथरी में संत शांतिदास महाराज के हनुमानगढ़ी आश्रम पर गुरु की महिमा का बड़ा ही मनमोहक नजारा देखने को मिला। यहां गुरुदेव के दर्शनों के लिए लोग आए और गुरु की वंदना कर आशीर्वाद लिया। नागौर के लाडनू में गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया गया। इस कड़ी में गोलर धाम में गुरु पूजन किया गया। जिला विप्र फाउंडेशन ब्राह्मण समाज के उपाध्यक्ष जगदीश पारिक के नेतृत्व में बजरंगपुरी महाराज का शॉल उड़ाकर और माला पहनाकर स्वागत किया गया। राजसमंद के मुंडेल से फुटखोल तक बनी सड़क का काम ठेकेदार ने अधूरा ही छोड़ दिया। अब बारिश होने के बाद हालात काफी बिगड़ चुके हैं। इस ढलान में एक तरफ बड़ा गड्ढा भी हो चुका है। राजसमंद के रेलमगरा में बनास नदी में अवैध बजरी खनन और बनास खनन पट्टे के नियमों का मुद्दा साधारण सभा की बैठक में छाया रहा। नियमों के विपरीत जाकर बजरी दोहन करने को लेकर जिला परिषद सदस्य और प्रधान आदित्य प्रताप सिंह चौहान ने साधारण सभा में मुद्दा रखा, और वहीं इस मुद्दे को लेकर के आपको बता दें कि खनन विभाग के अधिकारियों ने 2 पॉकलैंड मशीन को जब्त करने की कार्रवाई की। भरतपुर के डीग में शोभा यात्रा के साथ मुड़िया पूर्णिमा मेला संपन्न हुआ। मुड़िया संतों ने ढोल मंजीरों के साथ परिक्रमा की। शोभा यात्रा का श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। जोधपुर के भोपालगढ़ विकास अधिकारी शिवदान सिंह मेघवाल को पूर्व सरपंच रामकिशोर खदाव और रामनिवास पांगा ने ग्राम पंचायतों की समस्याएं बताई। विकास अधिकारी मेघवाल ने जल्द ही समस्याओं के निस्तारण को लेकर आश्वासन दिया। नागौर में प्रशासन शहरों के संग अभियान का द्वितीय चरण 15 जुलाई से शुरू हो रहा है। इसको लेकर गुरुवार को बैठक होगी। नगर परिषद और मुंडवा नगर पालिका कुचेरा और बासने में शिविर लगेंगे। डूंगरपुर में 3 विधायकों की ओर से अपने फंड से 2 साल पहले दी गई 5 एम्बुलेंस का अब उपयोग हो सकेगा। राज्य सरकार ने इन एम्बुलेंस के संचालन को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। अब इनका उपयोग मरीजों को लाने और ले जाने में हो सकेगा। बूंदी के जिला अस्पताल में कचरा संग्रहण की व्यवस्था ठीक नहीं है। यहां अस्पताल प्रशासन और खुद नगर परिषद का लापरवाही भरा रवैया सामने आ रहा है। जिला अस्पताल में मोर्चरी के बाहर सड़क पर अब कचरे का ढेर नजर आ रहा है। कचरा उठाना तो दूर, कचरे को सुव्यवस्थित तरीके से संग्रहण भी नहीं किया जा रहा है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जयपुर के नायला स्थित निम्बार्क आश्रम में अनंत श्री विभूषित बाबा सुखदेव दास महाराज की चरण पादुका का वैद्य मंत्रोच्चार के साथ पंचामृत अभिषेक किया गया। इस मौके पर राधा ब्रज चंद्र बिहारी संकीर्तन मंडल की ओर से गुरु वंदना की गई।
डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के शिवपुरा गांव में बुजुर्ग ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया।